देवघर के लिए जा सकते हैं। देवघर यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे है, यहाँ से बाबा नगरी आप जा सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ बताएंगे जी इस बार इन्हें कौन पसंद है, किसे चुनेंगे, क्योंकि यहाँ भी चुनाव है 19 तारीख को। तो आइए इन लोगों से हम जानते हैं, इनका नब्ज टटोलते हैं, क्या कहते हैं इस बार आप लोग किन्हें चुन रहे हैं, कौन पसंद है, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि मोदी जी ने कल सभा भी की यहाँ पे। यहाँ जो है निशिकांत दुबे जी हैं और मोदी जी को हम लोग वोट देंगे। क्या मतलब देवघर या बात करें जसीडी की या गोड्डा की बात करें, गोड्डा संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो मतलब क्या कुछ मतलब आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए, कितना कर हो पाया है? विकास हुआ है, कुछ बाकी है, वो हो जाएगा उनको। आपको विश्वास है वही करेंगे? हाँ, वही करेंगे। आप किन्हें चुन रहे हैं? बस वही मोदी जी को। क्या ऐसा मोदी जी के बारे में कुछ बताइए जो आप मोदी जी के को चुनने जा रहे हैं? मतलब मोदी जी के विषय में बोलना ही पड़ेगा, पूरा देश देख रहा है, इसके लिए उनको कहना ही क्या है, जो बोलते हैं वो कर रहे हैं। आपके सांसद जो हैं, आप जो चाहते हैं उस पर वो खरा उतरे हैं? बिल्कुल खरा उतरे हैं। ये स्टेशन देखिए, उन्हीं का देन है, जितना विकास देख रहे हैं उन्हीं का देन है, और किसको कहें। एम्स बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, एयरपोर्ट बन ये रहा है, और भी सब जो है वो सब काम हो रहा है। किनका लाया हुआ एम्स? ये लाया हुआ है निशिकांत दुबे जी का। अब यहाँ पे एक भाई साहब हमारे साथ हैं, आप बताइए जो गोड्डा संसदीय क्षेत्र में चुनाव होने 19 तारीख को, आप लोग का मूड क्या है, मिजाज क्या है? मोदी जी छोड़ के दूसरा तो मिजाज है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के, इतने फैन फॉलोवर हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी के ही सारे लोग हम लोग फ्लोवर हैं, फैन हैं, और यहाँ खास करके यहाँ विकास की बात करें, जो यहाँ के मौजूदा सांसद है उसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? सांसद महोदय ठीक ठाक हैं, सारा विकास करा रहे हैं, एम्स लाए हैं, एयरपोर्ट लाए हैं, और सारा जो कोनासी डैम से हम लोग का पानी का जो समस्या है उसका भी समाधान हो रहा है, और सब लगे हुए हैं। अब इन साल फिर हम लोग जिताएंगे, फिर और जो बाकी विकास का काम है। देवघर की बात करें जो बाबा नगरी है, और आपके जो मौजूदा सांसद हैं, अगर आप लोग को क्या लगता है कितना विकास हो पाया है और कितना और करना चाहिए? विकास जहाँ तक है हम लोग के अनुसार, मतलब पहले के बनिस्पत 80% विकास नज़र आ रहा है, 20% है, फिर वो जीतेंगे तो विकास होगा। आप क्या कहेंगे इस गोड्डा में चुनाव है, गोड्डा संसदीय क्षेत्र में चुनाव 19 तारीख को है, आप किन्हें पसंद करेंगे, किनको आप चुन रहे हैं? हम निशिकांत दुबे जी को देंगे हम लोग वोट। और बोलिए क्या मतलब आपको क्या यहाँ के जो विकास कार्य है उसके बारे में क्या कहेंगे, कितना कुछ हुआ है, कितना कुछ होना चाहिए? विकास हो ही रहा है, बहुत कुछ हुआ और होगा। हम लोग सभी निशिकांत दुबे को बीजेपी को ही वोट देंगे हम लोग। आप बताइए। हमने तो जो भी दिया है मोदी सब ठीक दिया है, हमने निशिकांत दुबे वोट देंगे। कितना दिन से आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, और मोदी सरकार से आपको क्या क्या मिला है या फिर क्या चाहते हैं? मिला है कुछ नहीं सर, चमचास परेशान है। हमने कितना बोले वो 5 लाख वाला कार्ड जो नहीं देता फ्री वाला, मोदी सरकार पास किया लेकिन यहाँ पास ही नहीं होने देता है सर। तो इनके लिए क्या मांग है आपको? वही 5 लाख वाला कार्ड, बीमारी हो लेकिन फिर भी आप मोदी को चाहिए, मोदी को चाहिए, देश को चाहिए कि आपको नहीं, मोदी चाहिए। किसे चाहिए मोदी? मोदी ठीक कि जो विकास किया है ठीक किया है। आप यहाँ के मतदाता हैं, आप क्या मतलब किन्हें पसंद करेंगे, कौन किसकी सरकार बननी चाहिए, यहाँ के सांसद जो मौजूदा सांसद है उनके काम से आप को लेकर क्या कहेंगे? ये यहाँ तो देखिए मोदी जी का ही वोटर हम लोग हैं और मोदी जी को ही चुनेंगे, और बहुत कुछ विकास हुआ है यहाँ पे, जैसे गरीबों के लिए आप ले लीजिए वो कार्ड दो जी दिया है 5 लाख वाला, स्वास्थ्य बीमा योजना वाला, वो भी बहुत सारा, बहुत सारा किसान को बैंक अकाउंट में पैसा भी आए हैं, बहुत सारा कॉलोनी मिले हैं, हर गांव में बिजली पानी हो गया है। आपके मौजूदा सांसद जो हैं उनसे आप लोग आप लोग संतुष्ट हैं? जी बहुत संतुष्ट हैं। आप बताइए आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप ड्राइवरी करते हैं। अभी जो मौजूदा सरकार है, आपके जो सांसद हैं, आप इन्हें बदलना चाहेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्या मतलब आपकी धारणा क्या है, आप क्या चाहते हैं, कौन सरकार बने? मैं मोदी सरकार बनना चाहिए इस बार, फिर विकास भी किया अच्छा, इन्हीं का सरकार होना चाहिए। इन पर देश का गर्व है सर, मोदी पर देश का गर्व है। आप यहाँ के शायद देख रहे हैं उजरा जो कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, आप ये बताइए वेशभूषा से नेताजी भी लग रहे हैं? नहीं, 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 हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं,
गाड़ी है मेरा अपना, बस गाड़ी चलाते हैं, किसी तरह से जी खा रहे हैं। बाबा नगरी देवघर की अगर बात करें तो कितनी रूपरेखा इसके अभी तक चेंज हो चुकी है मौजूदा सांसद के द्वारा, कितना क्या गया है काम? बहुत आगे है, विकास तो हुआ इस बार, विकास बहुत हुआ है और मोदी सरकार ही आना चाहिए, हम लोग का यही प्रस्ताव है। आप युवा वोटर हैं, युवा हैं आप, आप किन्हें पसंद करेंगे, किसे सरकार के रूप में देखना चाहते हैं? बीजेपी सरकार को। मोदी जी के कार्य से कितना आप संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा, घर घर मोदी, बहुत ज़्यादा संतोष है। यहाँ के सांसद जो उनके काम से आप संतुष्ट हैं? कौन कौन बनेगा यहाँ सांसद? निशिकांत दुबे। घर मोदी, घर घर मोदी। आप यहाँ के वोटर हैं? नहीं, यहाँ के नहीं है। अच्छा, नहीं, नहीं। तो हम अभी इस वक्त जेसीडी जंक्शन के पास मौजूद हैं, जहाँ पे आपने देखा यहाँ के लोगों का राय, लोगों ने क्या कहा, किसे चुनना चाहते हैं, ये आपके सामने स्पष्ट है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंशु झा, अजय भारत।